तो कैसे हैं आप सब? पता है, वीडियो मेरी लेट है, लेकिन क्या करूं, जिस वक्त जब ये सब लॉन्च इवेंट चल रहा था और जिस टाइम वीडियो बनानी चाहिए थी उस टाइम मैं किसी रीजंस की वजह से वीडियो नहीं बना पाया था। तो खैर, आज के वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं मी के उस लॉन्च इवेंट के बारे में जो कि काफ़ी दिन बाद एक अच्छा खासा लॉन्च इवेंट देखने को मिला लॉकडाउन चलते हुए, जो कि इतने दिन से काफ़ी सब सूना पड़ा हुआ था, जहां मी ने जो है अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन मी 10 के अलावा भी जो है और भी कई सारे प्रोडक्ट्स को जो है लॉन्च किया है। तो आज की वीडियो में आपसे इसी के बारे में बात करने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मयंक टेक यूट्यूब चैनल, मेरा नाम है मयंक और आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो खैर, काफ़ी दिनों के बाद हमें जो है एक लॉन्च इवेंट देखने को मिला जहां पे मी 10 5G और इसके अलावा जो है और भी कई सारे प्रोडक्ट्स देखने को मिले। तो आज के दिन मैं आपसे इसी के बारे में बात करता हूं। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा मी 10 5G ना, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, वीडियो बने रहना भाई। तो अभी मैं आपसे बात करने वाला हूँ, यहाँ पे सबसे पहला जो प्रोडक्ट शाओमी ने लॉन्च किया वो था मी का वायरलेस पावर बैंक। पावर बैंक की बात करूँ तो यहाँ पे जो है एक नॉर्मल सा पावर बैंक है, बस खासियत ये है कि ये 10,000 mAh की कैपेसिटी वाला है, साथ में इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग देखने को मिल जाती है। प्राइस इसकी अराउंड 2500 रुपये रखी गई है, 2500 रुपीज़ की MRP है इसकी, जिसमें आपको जो है 18 वॉट की जो है वायर्ड चार्जिंग देखने को मिलती है और 10 वॉट की जो है वायरलेस चार्जिंग देखने को मिल जाती है। तो अगर पावर बैंक के हिसाब से देखा जाए तो ठीक है, आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। बस एक ही बेनिफिट आपको इसमें मिलता है, वही कि इसको आपको जो है इसमें वायरलेस चार्जिंग भी देखने को मिल जाती है। अगर आपका फ़ोन सपोर्ट करता हो तो उस कंडीशन में आप इस फ़ोन को, इस पावर बैंक को ले सकते हैं। और 18 वॉट की वायर्ड चार्जिंग यार ठीक है, इनफ है, 2500 रुपये के हिसाब से अच्छी डील आपको मिल जाती है। तो अगले प्रोडक्ट की बात करता हूँ तो ये आता है मी बॉक्स 4K, या फिर आप कह सकते हैं मी टीवी 4K, जो भी कहना है कहो यार। इसमें आपको जो है जैसे कि आपका Amazon का फायर स्टिक आता था, ठीक उसी प्रकार का आपको जो है यहाँ पे बॉक्स देखने को मिल जाता है जो कि सपोर्ट करता है HDR10 4K। साथ में इसमें आपको जो है Amazon Prime, Netflix जैसी कई सारी और भी जो है 5000 ऐप्स देखने को मिलती हैं यार, जो कि आप कभी, वैसे मुझे तो इतना पता है कि अगर आप खरीदते भी हो तो उन 5000 ऐप्स को आप यूज़ नहीं करोगे, लेकिन इतने सारे फीचर्स इसमें भर भर के ऑलरेडी दे दिए गए हैं। एक बात यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि इस बॉक्स में जैसा कि मैंने आपको बताया 4K सपोर्ट करता है, ओके, लेकिन ये उसी कंडीशन में जो है आप इसका मज़ा ले पाएंगे अगर आपका टीवी भी जो है 4K सपोर्ट करता हो, तभी, नहीं तो नहीं। प्राइस की बात करूँ तो 3499 रुपये, यानी कि 3500 रुपये का ये आपको 4K टीवी बॉक्स या 4K बॉक्स जो भी बोलो यार वो पड़ जाता है आपको, जिसे आप कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट पे जितने फीचर्स आपको प्रोवाइड करता है उतने फीचर्स आपको जो है अमेजॉन फायर स्टिक में भी देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये भी अगर आप खरीदना चाहें तो सही प्राइस पॉइंट पे जो है आपको मिल जाता है, आप बिल्कुल इसे परचेस कर सकते हैं। तीसरा जो प्रोडक्ट लॉन्च होता है वो है मी TWE 2, जहाँ पे मी ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स 2, इतना लंबा नाम है इसका, जो कि इन्होंने लॉन्च किया है कल। जैसे कि आप एप्पल के एयरपॉड्स देखने को आपको मिलते थे, कान में बाली की तरह लटकते थे, बस वही चीज़ आपको यहाँ पे भी देखने को मिलता है। फ़र्क ये है कि इससे में कंपनी ने यह कहा है कि भैया इसे हमने इंडियन कस्टमर्स के हिसाब से जो ही वो ट्यून किया है, मतलब कि अब हमें जिस तरह के गाने, जिस तरह के हमें आउटपुट पसंद है उस तरह की आउटपुट जो है इन्होंने ट्यून करके दिया है। 14.2 mm के जो है डायनेमिक ऑडियो ड्राइवर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि एप्पल के एयरपॉड्स में आज तक हमें पता भी नहीं कि आखिर कौन से ऑडियो ड्राइवर्स हमें इसमें देखने को मिलते हैं। प्राइस की बात करूँ तो इसमें 4500 रुपये की इसकी प्राइस है। और बैटरी बैकअप की बात करूँ तो इसमें आपको जो है 14 आवर्स यानी 14 घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है विद केस। और अगर आप जो है इस कान की बाली या फिर मैं कहूँ कि इस स्टिक को अगर आप यूज़ करते हैं तो 4-4 घंटे का आपको जो है बैकअप मिलता है अगर आप जो है 80% पर इसे यूज़ करते हैं। तो चार्जिंग टाइम की अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो यहाँ पे चार्जिंग टाइम आपको जो है 65 मिनट्स का विथ केस मिलता है, और अगर आप स्टिक की बात करें सिंगल स्टिक आपको 30 मिनट्स में चार्ज होकर मिल जाएगी। तो 4500 का है, ठीक है, बाकी अब कैसा मिलता है, क्या क्वालिटी होती है, ये तो जब तक अपन यूज़ नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा, और ये आप ही को मिलेगा, मुझे तो मिलेगा नहीं, गरीब हूँ भाई। इसके कुछ फ़ीचर्स के बारे में बात कर लो तो फीचर्स के मामले में यही मैं कहूँगा इसमें कि आपको जो है चाहे तो आप एंड्रॉयड पे कनेक्ट करें या फिर आप इसे जो है iOS फ़ोन से या एप्पल फ़ोन से कनेक्ट करें, सभी पे कनेक्ट हो जाता है। और ख़ास बात यह रहेगी इसकी कि अगर आप जो अपने मी 10 के 5G फ्लैगशिप फ़ोन पे जो है इसे कनेक्ट करते हैं तो जैसे एप्पल के एयरपॉड्स को आप जैसे ही बाहर ला के उसके ढक्कन खोलते हैं तो वहाँ पे आपको स्क्रीन पे फ्लैश हो जाता है कि भैया आ गया हूँ मैं, ठीक उसी तरीके से आपको जो है इसमें मिलेगा कि भैया मैं भी आ गया हूँ।
तो इस फीचर्स का आप यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा दिखाने में मजा आएगा। खैर अब बात करते हैं अपन मुद्दे की, जहां पे अपन बात करने वाले मी 10 5G फोन के बारे में। जी हां, इतने लंबे समय के बाद कहां जनवरी से इसका हाइप बना हुआ था कि भाई 108 मेगापिक्सल हम लेकर आ रहे हैं, 108 मेगापिक्सल हम लेकर आ रहे हैं। फाइनली जो है कल 8 मई को जो है इस पे ठप्पा लग गया कि हाँ भैया लो आ गया। अब यहाँ पे जो है इस फोन का जो नाम है मी 10 5G, समझ में आता है कि 5G फोन है, ठीक है। अब दो कलर्स में आपको ये मिल जाता है, एक है कोरल ग्रीन और ट्वाइलाइट ग्रे, इन दो कलर्स में आपको ये फोन मिल जाता है। साथ में कुछ ऑफर्स भी चल रहे हैं, प्री बुकिंग ऑफर, जैसे कि अगर आपके पास HDFC का कार्ड है तो वहाँ पे आपको 3,000 रुपये तक का जो है कैशबैक मिल जाएगा। साथ ही मी का वायरलेस पावर बैंक जो है आपको इसमें फ्री मिलेगा अगर आप प्री बुकिंग करते हैं तो ये दो ऑफर्स के साथ भी जो है ये फ़ोन अभी बिक रहा है। साथ ही अब मैं अगर आपसे बात करूं इसमें कुछ आने वाले कुछ अच्छे फीचर्स की, तो उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं। इसमें 8K रिकॉर्डिंग का आपको सपोर्ट मिल जाता है, जैसे कि इससे पहले भी सैमसंग ने भी जो है फ़ोन निकाला था जिसमें 8K रिकॉर्डिंग का जो है सपोर्ट था। खैर इतनी अच्छी क्वालिटी उसमें नहीं आई थी एज ए रिव्यूज़ और जैसे कि हमने पढ़ा था, लेकिन अब यहाँ पे भी जो 8K की रिकॉर्डिंग का सपोर्ट तो मिलता है, इसे आप 6 मिनट तक की इस पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 8K की। इसके अलावा इसमें अगर डिस्प्ले की बात करूँ मैं तो इसमें आपको सुपर एमोलेड कर्व्ड E3 आपको जो है डिस्प्ले देखने को मिलता है। 90 हर्ट्ज़ की जो है वो रिफ्रेश रेट होगी और 180 हर्ट्ज़ की जो है टच सैम्पलिंग रेट होगी। टच सैम्पलिंग रेट का मतलब जब आप स्क्रीन को जो है स्क्रॉल करते हो टच करते हो उसकी रिफ्रेश रेट जो है वो 180 हर्ट्ज़ की होगी। साथ ही डिस्प्ले की बात करूँ तो इसमें आपको 800 निट्स की जो है ब्राइटनेस देखने को मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी है, और इसकी जो पीक ब्राइटनेस है पीक ब्राइटनेस जो है वो जाती है 1120 निट्स तक, यानी कि चिलचिलाती धूप में तेज़ धूप में भी अगर आप इस फ़ोन को देखते हैं, इस फ़ोन की स्क्रीन को देखते हैं, तो वहाँ पे आपको भैया किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, फ़ोन आपको जो है चिल्ला चिल्ला के बोलेगा ये देखो मैं हूँ यहीं पर। इसके अलावा इस कर्व डिस्प्ले में आपको जो है एक माइक्रो डॉट कैमरा मिल जाता है, जैसे कि पंच होल कैमरा और जो भी कैमरे बोलते हो बाकी कंपनी वाले, तो शाओमी इसे जो है माइक्रो डॉट कैमरा देखने कहता है। और साथ ही जैसे कि इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया गया था कि 108 मेगापिक्सल का कैमरा हम लेकर आ रहे हैं, लेकिन 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 यहाँ पे जो है एक बात और आपको समझनी चाहिए, इसके कैमरा मॉड्यूल और इसमें कितने क्वाड कैमरा सेटअप आपको दिया गया है, लेकिन इन चारों कैमरा में कौन से सेंसर दिए गए हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ पे आपको इसका प्राइमरी कैमरा 108 मेगापिक्सल का मिल जाता है, वहीं पे आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा भी देखने को मिल जाता है और 13 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा मिलता है। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आपको अगर समझ में आती है तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा कि एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन जिस स्मार्टफोन की जो प्राइस ही 50,000 रुपए से शुरू होती है उसमें आप जो है 2 मेगापिक्सल का कैमरा दे रहे हो, ये मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ा, क्योंकि अगर आप जो है इसी कैमरे को 8 मेगापिक्सल या 13 मेगापिक्सल के हिसाब से भी देते तो ऑन पेपर जो है सुनने में और देखने में मज़ा आता, लेकिन 2 मेगापिक्सल का जो कैमरा आप प्रोवाइड कर रहे हो वो तो आजकल छोटे छोटे बजट स्मार्टफोन पे भी देखने को मिल जाता है, तो ये चीज़ थोड़ा सा Xiaomi को सोचना चाहिए था। साथ ही इसमें आपको फ्रंट में जो है 20 मेगापिक्सल का भी कैमरा देखने को मिल जाता है जो कि आपकी सेल्फीज लेने में मदद करेगा। और आपको एक बात बता दूं, जो इसकी प्राइस स्टार्ट होती है, प्राइस स्टार्ट होती है 50,000 रुपये से 8GB और 128GB वाले वेरिएंट के लिए, और 55,000 रुपये की प्राइस जाती है 8GB और 256GB वेरिएंट के लिए। अब मुझे इसमें भी थोड़ा सा जो है आपका सपोर्ट चाहिए, आपका ओपिनियन ज़रूर चाहिए होगा कि यहाँ पे 128GB और UFS 3.0 स्टोरेज के लिए क्या 5,000 रुपये जो है इन्वेस्ट करना सही होगा या नहीं होगा, क्योंकि कैमरे के नाम से भी 2 मेगापिक्सल पे हमें थोड़ा सा निराशा ज़रूर मिलता है। साथ में जो 5,000 रुपये सिर्फ 128GB स्टोरेज और UFS 3.0 के लिए जो हमें खर्च करना पड़ता है वो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। बाकी आप अपनी कमेंट्स बॉक्स पे जो है आप अपनी ओपिनियन दे सकते हैं कि आपको क्या लगता है ये सही है या फिर नहीं। अब अगर इसके मैं प्रोसेसर की बात करूँ या परफॉर्मेंस की बात करूँ तो इसमें स्नैपड्रैगन 865 मिल जाता है जो कि 7 नैनोमीटर पर बेस्ड है, तो आपको परफॉर्मेंस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इतनी तो गारंटी है। साथ ही में इसमें आपको जो है वाईफाई 6 देखने को मिलेगा जो साथ में इसके LPDDR5 रैम और UFS 3.0 स्टोरेज का भी जो है यूज़ करती है। आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो वाईफाई 6 है वो क्या है उसे मैं आपको थोड़ा डिटेल में भी समझा देता हूँ। तो इसमें आपको जो है ड्यूल बैंड X55 मॉडेम दिया गया है जिसे ये आप वाईफाई 6 भी कह सकते हैं। आप किस तरह से काम करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कि आप इस फ़ोन में जो है एक साथ 2 वाईफाई के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, साथ में आपका जो भी 5G 3G 4G जो भी डेटा है उसे भी आप यूज़ करते हैं एट अ टाइम।
तो इसमें आपको बस यही फायदा मिलता है कि आप जो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे पुश करते हैं या फिर स्विच करते हैं, उसे 0.13 मिलीसेकंड का जो है अंतर रहेगा और उसमें कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। मतलब आपका जो डेटा होगा वो आपको जो है आप बिना रुके आप जो है डेटा स्ट्रीमिंग कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। इसके अलावा इसमें जो है वेपर चैम्बर कूलिंग का भी ऑप्शन दिया जाता है, तो इस वजह से जब आप गेमिंग करते हो या फिर कुछ हैवी टास्क करते हो तो ये फ़ोन आप जो है खुद को ठंडा रखने में जो है कैपेबल है, आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फ़ोन हीटिंग की समस्या जो है आपको देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही में आपको इसमें जो है ड्यूल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलता है, एक स्पीकर जो है आपको नीचे देखने को मिलता है, दूसरा स्पीकर जो है वो आपको ऊपर के साइड देखने को मिलता है, और ये जो है अपने आप जो है अपने चैनल भी चेंज कर रहे हैं। मान लीजिए अगर आपने फ़ोन को जो है उल्टा पकड़ लिया तो तुरंत ही जो है अपने चैनल को चेंज कर लेते हैं, उस हिसाब से जो अपने आपको सही कर लेते हैं, तो ये भी एक अच्छा इसमें फीचर दिया गया है। अब बात करते हैं इसके बैटरी की। जब फ़ोन में इतने सारे फीचर्स दिए गए हैं तो बैटरी कितनी मिलती है, तो भैया बैटरी भी इसमें जो है भर भर के आपको मिलती है 4780 mAh की बैटरी मिलती है, और इतनी बड़ी बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको 30W का सपोर्ट भी मिलता है। पर अब आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपको मार्केट जाके अलग से एक 30W का चार्जर लेना होगा, क्योंकि 30W का जो चार्जर है वो भी आपको ऑन द बॉक्स मिल जाता है, तो उसके लिए भी आपको एक भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी, जो कि एक अच्छी बात है। साथ में आपको इसमें रिवर्स चार्जिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है जो कि 10W का होगा, और इसके साथ ही जो है वायरलेस चार्जिंग का भी आपको सपोर्ट मिल जाता है जो कि 30W की होगी, और इस फोन को जो है फुल चार्ज करने में अप्रॉक्स 65 मिनट्स का टाइम देगा। तो ये थी फोन के बारे में सारी जानकारी, सारी स्पेसिफिकेशंस। लेकिन मेरे यहां पे आपसे जो है दो सवाल जरूर रहेगा। पहला सवाल ये इसकी प्राइस, जो प्राइस यहां पे दी गई है ₹50,000 स्टार्टिंग वेरिएंट के लिए और ₹55,000 जो है इसके टॉप मॉडल के लिए, ठीक है, तो क्या ये प्राइस सही है या नहीं, आप मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। साथ ही दूसरी बात जो आती है वो कैमरे की, 108 MP तो आपने हाईलाइट कर दिया है, लेकिन यहाँ पे आपको जो है 2 MP का डेप्थ सेंसर और 2 MP का मैक्रो कैमरा किस बात का दिया गया, आखिर एटलीस्ट इसे 8 या 13 MP का भी किया जा सकता था। तो क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये जो है आजकल बजट स्मार्टफोन्स में भी देखने को मिल जाती है, 2-2 MP का कैमरे वहाँ पर भी मिल जाते हैं। तो आप इसे मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि इस बारे में आपकी क्या ओपिनियन है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, आपके कोई भी सवाल या सुझाव हो तो इसे नीचे कमेंट कीजिएगा। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और बाजू में आप बन रहे उस घंटे को भी दबा लीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर में मेरी आने वाली वीडियोज़ मिल जाए। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।